चलो जी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं. अब सॉल्यूशंस, राइट? सॉल्यूशंस बेसिकली क्या है, आपको क्या पता चलता है सॉल्यूशन जब आप देखते हो? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. जो हम डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन को, तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. So, it is a homogeneous mixture of two or more than two. Homogeneous का मतलब क्या होता है? Which has single face. कि हमें देखने से पता ना चले कि उसमें दो या दो से ज्यादा component है. देखने में हमें यही पता चलता है कि उसके पास एक single component है. ठीक है? Depending upon कि कितने components एक solution के अंदर होते हैं, हम solutions को classify करते हैं as binary solutions. बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? दे हैव टू कंपोनेंट्स. एग्जाम्पल हम यहां पे ले सकते हैं, शुगर प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है? अगर उसके पास थ्री कंपोनेंट्स हैं, तो उसे हम बुलाते हैं टर्नरी सॉल्यूशन. ओके? टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ इट हैज थ्री कंपोनेंट्स. ओके? जैसे आपने इसी के अंदर सॉल्ट भी डाल दिया, तो हमारे पास सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया और वाटर हो गया. सो दिस इज नोन एज अ टर्नरी सॉल्यूशन. उसी तरह से अगर चार कंपोनेंट्स हो, तो उसको हम क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बुलाते हैं, एंड सो ऑन. कोई भी एक सॉल्यूशन होगा, हम इस वाले चैप्टर में सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे. ठीक है? सो कोई भी अगर एक सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, तो उसके पास टू कंपोनेंट्स हुए. एक कंपोनेंट को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज द सॉल्यूट, एंड द अदर वन दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट. ठीक है? हमें ये पता है, एक जनरल सी अगर हम डेफिनेशन दें, तो हमें ये पता है कि सॉल्यूट क्या है. सॉल्यूट इज एनीथिंग व्हिच इज लेसर इन क्वांटिटी. यही पढ़ते आ रहे हैं हम जूनियर क्लासेस से, है ना? कि जब भी एक सॉल्यूशन ली, तो सॉल्यूट वो है जिसकी क्वांटिटी कम है, और सॉल्वेंट वो है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है. पर ऐसा हमेशा नहीं होता. ठीक है? जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, राइट? अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें हमने 60 ग्राम्स ऑफ शुगर डाला है, ठीक है, और हमारे पास 40 ग्राम्स ऑफ वाटर है. इन दिस केस शुगर ज्यादा है, वाटर कम है, तो हम वाटर को तो सॉल्यूट नहीं ले सकते, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा वो होता है जो एक एग्रीगेशन में हो सॉल्यूशन के साथ. जैसे सॉल्यूशन हमारा जो है वो लिक्विड है, तो सॉल्वेंट जो होगा वो भी लिक्विड ही होना चाहिए. सॉल्वेंट को हम सॉलिड नहीं ले सकते. ठीक है? सो यहां पे जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं, ऑल्दो हमारा जो सॉल्यूट है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, स्टिल क्या कर रहे हैं हम इसको? इट इज टेकन एज द सॉल्यूट ओनली. ओके? तो यहाँ पे तो फिर वो डेफिनेशन खत्म हो गई ना, गलत हो गई, कि सॉल्यूट इज एनीथिंग व्हिच इज इन लेसर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज एनीथिंग इन लार्जर क्वांटिटी. यहाँ पे हमारे पास क्या है? शुगर इज इन लार्जर क्वांटिटी, बट वी आर स्टिल टेकिंग इट एज अ सॉल्यूट. एंड वाटर इज इन लेसर क्वांटिटी, बट वी आर स्टिल टेकिंग इट एज अ सॉल्वेंट. ओके? सो फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस हमारा जो रूल है कि सॉल्यूट कम होना चाहिए और सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए, वो वर्क नहीं करता. हैव यू अंडरस्टूड? ओके. अब जब भी हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे, तो कितना सॉल्यूट एक पर्टिकुलर अमाउंट में डिसॉल्व होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई? It is the amount of solute
dissolving in specific amount of solvent. Amount of solute dissolving in specific amount of solvent, उसे हम क्या बुलाते हैं? Solubility. Solubility को हम एक और तरह से explain कर सकते हैं, that is which is known as concentration. Concentration का भी मतलब यही हुआ कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन. सो देर आर वेरियस मेथड्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने डेमो क्लास में किया था, सो उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं. ओके राइट, सो वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू express concentration. ठीक है, we have different methods to express concentration. The first method that is known as mass percentage. Mass percentage, यहां पे अगर हम binary solution ले रहे हैं ए बी, इस पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है कि ए इज गोइंग टू बी द सॉल्वेंट एंड बी इज गोइंग टू बी द सॉल्यूट. तो जहां पे भी मैं बी मेंशन करूंगी उसका मतलब हम सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, और जहां पे भी ए मेंशन करेंगे उसका मतलब हम सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो मास परसेंटेज जब हम लेते हैं, लेट्स से दिस इज द वेट ऑफ ए and WB is the weight of B. So mass percentage of A, that will be equal to weight of A upon total weight into 100. ठीक है, उसी तरह से अगर हम percentage of B लेते हैं तो then that is going to be equal to weight of B upon total weight. ठीक है, so this is simple. Percent का मतलब यही हुआ कि हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, पर सेंट, सेंट इज 100, राइट. सो हर एक सेंट के साथ हम किस तरह से परसेंटेज ऑफ ए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट इनटू 100. उसी तरह से परसेंटेज ऑफ बी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बी अपॉन टोटल वेट इनटू 100. ठीक है, सेकेंड जो मेथड है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज पे हम लोग कंसिडर करेंगे वॉल्यूम्स. अगेन हमने ए बी ले लिया, लेट्स से दिस इज वी ए, दिस इज वी बी. परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100. ठीक है, उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100. ठीक है, क्लियर हो गया. फिर थर्ड जो मेथड आता है दैट इज पीपीएम. पीपीएम मीन्स पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ, जब हम पीपीएम ले रहे हैं तो मैंने बताया था आपको कि इसको जनरली हम यूज करते हैं टू कैलक्यूलेट द पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, राइट, कि किस तरह
तरह से हम पॉल्यूटेंस एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम पीपीएम, पीपीएम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम पर क्या कहते हैं उसको 5% कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 के साथ मल्टी, यहाँ पे पर मिलियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 10^6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसपे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे सपोज हमको परसेंटेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैलकुलेट करनी है या पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैलकुलेट करने हैं तो हम लेंगे अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन टोटल वेट ऑफ एटमॉस्फेयर इंटू 10^6। ठीक है, so that is going to give us parts per million, okay? So ये तीन हम लोग with respect to 10 के powers calculate करते हैं। अब fourth से जो आगे की calculate करेंगे वो थोड़े से different है। Next, the fourth one that is molarity, molarity को हम represent करते हैं by capital M, ठीक है? Molarity of any solution that is equal to number of moles of the solute per liter of the solution, solution volume जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम volume लेंगे solution का और NB जो हम ले रहे हैं that is number of moles of the solute। अब अगर suppose हमें volume milliliters में दे रखी है, ठीक है, अगर तो लीटर्स में दे रखी है तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन करना है। अगर ये हमें मिलीलीटर्स में दे रखी है तो हम यहाँ पे इनटू 1000 कर देंगे, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हमें पता है कि एन बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू बी अपॉन एम टी। ठीक है, सो लेट्स पुट इन द वैल्यू, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी into 1000 upon MB into volume, okay? Again, MB is the number of solutes, number of moles of the solute. B is equal to volume of the solution. ठीक है? So यहाँ पे MB का value ये आ गया और M की value आ गई, weight of the solute given upon molar mass of the solute. MB is the molar mass of the solute into 1000 upon B. राइट, सो दैट इज व्हाट इज मोलारिटी। ओके, अब अगर हम यूनिट्स देखें तो यूनिट्स ऑफ मोलारिटी दैट इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, राइट? एंड यू कैन सी दैट मोलारिटी इज डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, देयरफॉर मोलारिटी changes with temperature। ये one mark का question आता है कि why molarity is not a good method to express concentration? So answer इसका क्या लिखेंगे आप? Because it changes with temperature as it depends upon volume. Volume जो है वो contract है और expand होती है with temperature. Okay? फिर उसके बाद fifth जो method है हमारा that is molality, molality को हम small m के साथ represent करते हैं, तो molality क्या हो गई, number of moles of the solute upon weight of the solvent in kg। यहाँ पे हमने volume of the solution लिया था, यहाँ पे हम weight of the solvent लेंगे। ठीक है, अगर हमको grams में दिया है weight तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन एमबी इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मोलर मास, सो मोलारिटी क्या हो गई, डब्ल्यू बी अपॉन एमबी इनटू डब्ल्यू ए इनटू 1000। ठीक है, अब मोलारिटी आप देख रही हो कि वो डिपेंड नहीं करती वॉल्यूम के ऊपर, है ना?
So molarity will not change with temperature. So it is a better method to express concentration. और molarity के units क्या हो जाएंगे? Moles per kg. That is going to be the unit of molarity. Okay, so what are we saying? Molarity is a better method to express concentration as it does not change with temperature. Or why it does not change with temperature? Because it is not depending upon volume. Okay, then sixth we come to mole fraction. मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एक्स, राइट? सो अगर बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? राइट? एंड टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन. क्लियर? ओके. अब जो मोल फ्रैक्शन है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, और सेकेंडली ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते बिकॉज ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी मोल्स हैं, मोल्स और मोल्स कैंसिल हो गए, इसका मतलब इट डज नॉट हैव एनी यूनिट्स. क्लियर? ओके. फिर देन द सिक्स्थ मेथड इज नॉर्मैलिटी. सेवेंथ मेथड इज नॉर्मैलिटी. ओके, सो नॉर्मैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एन, राइट? सो कैपिटल एन नॉर्मैलिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो नाउ वी गॉट अ न्यू टर्म ओवर हियर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट. ठीक है? जैसे हम अदरवाइज देखो सब में नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या ले रहे हैं? वेट अपॉन मोलर मास ना, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में हम लेते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास. सो अब इक्विवेलेंट मास क्या हुआ? एक नई और आ गई हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट. लेट्स सी कि हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. इक्विवेलेंट वेट हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं. जैसे फर्स्ट हमको अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड दैट इज इक्वल टू व्हाट विल बी गिवन बाय क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स बेसिसिटी. मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी. नाउ व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी इज दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयंस. ओके, इट इज अ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H positive ions. So H positive ions, जैसे for example, अगर आप HCl लेते हैं तो
number of replaceable H positive ion is 1. So molecular weight of HCl upon 1 will give us the equivalent weight of HCl. ठीक है, उसी तरह से अगर हम H2SO4 लेंगे तो इसकी जो बेसिसिटी है that is equal to 2. ठीक है, फिर अगर हम H3PO4 लेते हैं इसकी 3, और अगर हम H3 लेते हैं तो इसकी 2 होती है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है. और अगर हम H3PO2 लेते हैं तो उसकी 1 होती है. ओके, बिकॉज इतने ही हाइड्रोजन उससे रिप्लेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर, राइट. फिर उसके बाद सेकेंड हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस. हाउ डू वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस? दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, राइट. मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी. एसिडिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस. ओके, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम KOH ले रहे हैं तो इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी, बिकॉज KOH में एक OH नेगेटिव रिप्लेस होगा. ओके, अगर हम ले रहे हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड तो इसकी क्या हो जाएगी? 2. और अगर हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो इसकी क्या हो जाएगी? 3. ठीक है, तो अगर हमको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तो हम उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी, इट विल गिव अस द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस. ठीक है, थर्ड जो है दैट इज ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी. टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, राइट. तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने NaCl लिया है तो NaCl का टोटल पॉजिटिव वैलेंसी 1 पॉजिटिव होगा. मॉलिक्यूलर वेट में हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय 1 दैट इज गोइंग टू गिव अस द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl. ठीक है, उसी तरह से अगर हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पे इसका 2 पॉजिटिव आ जाएगा. सो हम बेरियम क्लोराइड का मोलर वेट डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस द राइट. अब ये जो है जो हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स, जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, राइट. पर अगर आपको इससे ज्यादा करना है जो कि कॉम्पिटिशन्स में इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, दे विल नॉट से कि आप इसकी नॉर्मैलिटी कैलकुलेट कर लो और उसमें एक ही सिंपल फॉर्मूला लगना चाहिए. वैसा आपके NET में या JEE का मेन और एडवांस देते हो तो इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते. ठीक है, सो अगर इससे ज्यादा पढ़ना है, इससे ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हो कि कौन से शॉर्टकट्स हमको यूज करने चाहिए, कौन से फॉर्मूलाज, कई कई क्वेश्चंस में मोलैरिटी दे रखी होती है और बोलते हैं कि उसकी मोलैरिटी निकाल दो, या मोलैरिटी दे रखी है तो बोलते हैं उसका मोल फ्रैक्शन निकाल दो. ठीक है, सो वो सारे फॉर्मूलाज हम बोर्ड्स की क्लास में नहीं ले सकते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता. ठीक है, सो उसके लिए आप रजिस्टर हो सकते हो हमारी ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस में जो हमने सॉल्यूशंस में ये वाला टॉपिक लिया हुआ है इसमें और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो आपको सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज होते हैं. बोर्ड्स के लिए जो हम ये पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है, इससे ज्यादा बोर्ड्स में आपको कुछ नहीं आता. ठीक है, पर अगर आपको कल को JEE देना है या आपको PMT का एग्जाम देना है तो उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है.
तो जिन्होंने भी देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर करा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस में और वो ये फ्री क्लासेस देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा रेफरेंस है. ओके, सो इफ यू वांट टू लर्न मोर प्लीज ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस. एक ऐड कर दूंगा मैं तुम्हें. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, देन आफ्टर दिस हमने अब सारे मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कर लिए. अब मुझे ये बताओ आप कि क्या नॉर्मैलिटी चेंज होती है विद टेम्परेचर? की नहीं होगी. इट विल चेंज. व्हाई? बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम. तो कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी दे डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर. हैव यू अंडरस्टूड? सो लेट्स नाउ डू अ फ्यू क्वेश्चंस.